एस्ट्रो तक में आप सबका स्वागत है। 25 अगस्त 2017 का राशिफल आप सबके लिए। मेष राशि वालों को सबसे पहले ये समझना है कि घर परिवार की खुशियां बनाए रखनी है ताकि जिंदगी के और मुद्दों की ओर आप ध्यान दे पाएं। वैसे भी मन में सुकून बनाए रखने से बहुत कुछ हासिल हो जाता है। वृषभ राशि वाले अगर मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, अपना प्रदर्शन भी बेहतर हो जाएगा और अपनों के लिए भी आप वो खुशियां मुहैया करा पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे तो लोग भी आपसे जुड़ जाएंगे और जब एक से एक जुड़ जाएं तो 11 हो जाते हैं और तब सफलता की मंजिल पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। कर्क राशि वालों को अपने कामकाज को बेहतर करने की दिशा में अपनी कोशिशों को बढ़ाने का समय आ रहा है और तब जाकर आपके लिए कोई बेहतर रास्ता भी खुल पाएगा। सिंह राशि वाले ये समझ लें कि मन को भटका लेना बहुत आसान होता है और ऐसे में हालात बिगड़ भी सकते हैं। अगर अपने नुकसान की स्थिति को समय रहते रोका ना जाए तो उसका असर आपकी बचत पर भी पड़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए हालात कई रूप से मददगार हैं पर अपने हालात को बचाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। धन लाभ बढ़ जाए और खर्चे बढ़ जाएं तो एक नुकसान की सी स्थिति है जिससे आपको बचना ही पड़ेगा। तुला राशि वालों की कामकाज के प्रति आपकी लगन बहुत अच्छी है पर आपकी इच्छाएँ आपके मन को भटका रही हैं। आप कुछ बड़ा भी करना चाह रहे हैं और कुछ हटके भी करना चाह रहे हैं, इसी बात को समझने में गलती भी हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति मददगार बनी हुई है और आपकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रही है। यहाँ तक कि कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को संभालने में भी हर तरह की मदद आपको मिल ही जाएगी। धनु राशि वाले जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी लगन बनी रहेगी पर मन का उतावलापन बढ़ता चला जाएगा जो आपके मन में असमंजस जरूर पैदा करेगा। इसी वजह से थोड़ा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत तो पड़ेगी। मकर राशि वालों को लोगों से जो भी प्रेरणा मिलेगी वो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से समझने के लिए कभी कभी लोगों की नज़र से भी देखना चाहिए। कुंभ राशि वालों का मन बहुत चंचल हो रहा है और मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि कई चीज़ें आपको सुख और चैन नहीं दे पा रही, लगता है जैसे कोई कमी सी है। मीन राशि वालों का रिश्तों की ओर ध्यान बहुत अच्छा है और आपको अपनी अच्छाई को बनाए रखने का मौका भी मिल रहा है। कमियां तो देखिए हर परिस्थिति में होती हैं और कमियों की तरफ एक नज़र रखकर उन्हें सुधारना ही जिंदगी का बड़ा लक्ष्य है। नमस्कार।